नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। दरअसल कुछ लोगों की मानसिकता में ही गुलामी है, उनको लगता है कि बस हाथ फैलाएंगे, अपना धंधा चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। अब तक तो पेट पाली लिया और अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक ही रहे, तो क्या दिक्कत है, एक बार फिर से सुर्खियों पे तो आना है। दरअसल हुआ क्या, आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक जो मंशा थी उसे पूरा करने के लिए, उस हसरत को पूरा करने के लिए लोगों को बरगलाया, लोगों को ठगा, लोगों को गुमराह किया और सड़कों पर लाकर बिठा दिया। वैसे देश की आत्मा पर आघात करने वाला ये गैंग, देश के गणतंत्र को कुचलने की कोशिश करने वाला ये गैंग, लोकतंत्र के प्रतीक को ट्रैक्टर से रौंदने वाला ये गैंग अब विदेशियों को यार बनाने की कोशिश में जुट गया। हालांकि ये नई बात नहीं है, खालिस्तानी आतंकवादियों से फंडिंग लेकर हिंदुस्तान पर आघात करने वाला टिकैत गैंग अब अमेरिकी राष्ट्रपति को पुकार रहा है। दरअसल हिंदुस्तान में बवाल करने वाले आंदोलनजीवी अब विदेशों में भी बवाल करने में लगे हैं और मोदी की अमेरिका यात्रा पर यूएस में ही विरोध कर रहे हैं। इन आंदोलनजीवियों को सरकार की बात पर भरोसा नहीं है, सरकार से बात नहीं करेंगे, सड़कों पर बवाल करते रहेंगे, लोगों का जीना मुहाल करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि अमेरिका से कि वो इनकी बातों में आ जाए। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इनके झांसे में आ जाएं और इनकी बातों को सुनकर, दरअसल अब जो है मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ नहीं, इनके ठगी से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि किसानों की हित की बात करने वाली अगर इनकी सोच होती ना तो महापंचायत में भी 3 कृषि बिलों पर चर्चा होती, सड़कों पर बिठाकर गुमराह करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर दरअसल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने का जो एक कवायद वो चला रहे थे ना, उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। वो सच्चाई सामने आई कि किस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशने के लिए दरअसल किस तरह से राजनीतिक दलों का सहयोग मिला। अब तक जिस मंच का उदाहरण दिया गया कि ये मंच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, उसके साथ दरअसल कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैक सपोर्ट में खड़े हो गए, ये सच्चाई। इमरान खान की कहानी तो आप जानते ही होंगे, कश्मीर 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 कर करके छाती पीटने वाला वो इमरान खान बात बात पर यूएन पहुंचता है। अब इमरान खान की नकल या फिर कह लीजिए उसी रास्ते पर चलने वाले ये महावर जो है हमारे महाशय राकेश टिकैत, अब वही काम कर रहे हैं, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। मांगिए मदद, हम भी चाहते हैं कि मांगिए मदद, आपको देश की व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इन सब पे विश्वास नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं है और देश के मुद्दों को आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो मांगिए मदद, हमें भी दीजिए वो हिसाब खालिस्तानी झंडों का, हमें भी दीजिए वो हिसाब जो लगातार इस आंदोलन में जो फंडिंग आ रही है ना, जो पैसे बाहर से आ रहे हैं उसका, हमें भी दीजिए वो हिसाब जब इस आंदोलन में ट्रैक्टर में फ्रांस और कनाडा के झंडे नजर आए उनका, हमें भी दीजिए वो हिसाब जब लाल किले के प्राचीर पर आप बार बार अपमानित करने की कोशिश में वो गुंडागर्दी जो हमने देखी थी उसका। आज शंखनाद की शुरुआत सबसे पहले इस रिपोर्ट के साथ, उसके बाद मेहमानों के बीच। कृषि कानूनों पर देश में राग, आंदोलन जीवियों की व्हाइट हाउस से गुहार, खालिस्तानी फंडिंग पर बवाली मौत, यूएस में बवालियों का साथ देगा कौन, हिंदुस्तान में कृषि कानूनों पर बवाल कर रहा टिकैत गैंग अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पहले दिल्ली में बवाल किया, महीनों तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा, गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र को रौंदने की साजिश रची, आतंकियों से फंडिंग लेकर लोकतंत्र पर वार किया। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहेगा जाएंगे पार्लियामेंट बजाएंगे, कहेगा जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब हरियाणा में टिकैत गैंग बवाल कर रहा है, हरियाणा में जगह जगह हंगामा कर रहा है, सड़कों को बंद करने का प्लान कर रहा है। हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो प्लान बना रहे हैं 2024 मई तक का पूरा रोड मैप हम बना रहे हैं, तो बनाएंगे, ये धरना भी चलता रहेगा, खेती भी चलती रहेगी, आंदोलन भी चलता रहेगा।
सरकार से बात करने से टिकैत गैंग इनकार कर चुका है और कृषि कानूनों को खत्म कराने पर अड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों का साथ भी ले चुके हैं, फिर भी आंदोलन जीवी हिंदुस्तान में अलग थलग पड़े हुए हैं। टिकैत को राजनेताओं ने भी भाव देना बंद कर दिया है। सैकड़ों आंदोलनकारी भी टिकैत के देश विरोधी मंसूबे जानकर उससे दूरी बना चुके हैं, इसलिए टिकैत अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है, बाइडेन से गुहार लगा रहा है। टिकैत ने बाइडेन को ट्वीट किया है और लिखा है कि हम भारत के किसान मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 11 महीनों से 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। आप मोदी से मिले तो हमारी समस्या पर भी बात करें। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से फंडिंग लेते वक्त टिकैत को सांप सूंघ जाता है। सालों से आंदोलन चला रहे और अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के पैसे से मौज उड़ा रहे हैं। देश में सरकार से बात कर समस्या का समाधान चाहते नहीं है और उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मदद मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुन लिया, समझ लिया, इस रिपोर्ट के जरिए कम से कम इस बात को तो हम पूछ ही सकते हैं ना कि देश की बात, देश की चीजें आपको दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठा के क्या कोशिश करना आप चाह रहे हैं। देश की किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति पे विश्वास ना करने वाला ये गैंग, सुप्रीम कोर्ट की बात तक ना मानने वाला ये गैंग, दूसरों को बरगलाने वाला, दूसरों को बहकाने वाला ये गैंग, अब ये चाहता है कि इनकी बाद में मदद दरअसल करने कोई और आए। जिस देश को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, जिस नेता को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, एक उम्मीद भरी निगाह के साथ दुनिया के तमाम बड़े देश देख रहे हैं, जिसमें आशा नजर आती है, वहां पर ये बात नहीं करेंगे। सरकार से बैठे बैठकर तैयार किया गया मंच जो भी था, उस मंच पर इन्होंने किसी भी बात को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। एक पद्धति, एक तरीका इनको मंजूर नहीं, लेकिन आज ये सिर्फ कह रहे हैं कि इंटरनेशनली किस तरह से इनको मदद दी जाए, दी जाए मदद। और इसी मदद के ऊपर ही बात करेंगे। ये मदद जो इनको मिलता रहा ना, खालिस्तानी झंडे लहराने का, खालिस्तानियों की फंडिंग का, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों के झंडे लहराने का, देश विरोधी नारों का, लाल किला पे जाकर वो उत्पात मचाने का, उसका भी हिसाब लेंगे। मेहमानों से मिलिए, शंखनाद की शुरुआत कर रहा हूं। मनोज यादव मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सावित मलिक हैं, किसान नेता हैं। राकेश सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। दीपक झा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। सावित मलिक, शुरुआत में आपसे करूंगा। पता है सर, गुलामी की मानसिकता क्या होती है, उस मानसिकता से बाहर निकलना है। 47 की आजादी के बाद हम उस मानसिकता से नहीं सर, हम उन जंजीरों को तोड़ने के बाद जो है ना, बात स्वच्छंद होके करते हैं। आज इस मानसिकता के ऊपर फिर क्यों जा रहे हैं आप? ये मानसिकता सारे दर्शक देखते हैं कि कौन गुलामी की मानसिकता से बात कर रहा है और कैसी हालात है। आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाई, आपको उसमें भारत की जनता ये देख रही है कि कौन लोग है जो संविधान का पालन नहीं करते हैं। सरकार में रहते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। नहीं होता गन्ने के भुगतान पे, मैं अगर चर्चा करूं ना तो बताइए महाराष्ट्र में गन्ने की कीमत क्या मिलती है, दूसरे राज्यों में कीमत क्या मिलती है, यूपी में क्या मिलती है। मैं आपसे जिस आंदोलन के ऊपर बात कर रहा हूं उस पे कीजिए। मुद्दा आपके आंदोलन का शुरू हुआ 3 कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन आप पहुंच गए बिजली, ट्रैक्टर, पानी सब करने लगे। कहीं नहीं कही, अरे सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कही नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेटी बनाने की बात नहीं कही थी? क्या हुआ आपके किसान नेताओं को? क्या हमारे किसान नेताओं ने जो कहा आज तक वो हुआ है? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आप चले गए ना फिर? अरे सुप्रीम कोर्ट की सरकार नहीं मानती जो संविधान में है। किसान क्या जाने सुप्रीम कोर्ट, क्या जाने नियम कानून। अरे जो चुनकर किसान कुछ नहीं जानता, किसान कुछ नहीं जानता, लेकिन किसान जो नेता बने बड़े हैं ना सर, उनको टूल किट का इस्तेमाल करना आता है, उसको मियां खलीफा पता है, उसको जो है थनबद पता है, उसको ये पता है कि किस तरह से जो है बड़ी बड़ी बातें करके बक्कल उतार देना है। अरे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो संविधान के लोग हैं, जो देश में राजा बने बैठे हैं, जिनके ऊपर संविधान की जिम्मेदारी है, वो संविधान को नहीं मानते हैं। पूछो उनसे, 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा, क्या बिगाड़ लिया मिल मालिकों का? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसको आपने माना?
राकेश जी जो पूछ रहे हैं, राकेश जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दीजिएगा। मनोज जी मैं आ रहा हूँ सर, आपसे तो बहुत सारे सवालों का जवाब लूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे साबित मलिक से इस गुलामी वाली मानसिकता के ऊपर कुछ समझना है। साबित मलिक आंदोलन गन्ने के भुगतान के लिए कर रहे थे क्या? साबित मलिक हिंदू नेता, साबित मलिक आप लोग, साबित मलिक, साबित मलिक लगभग एक साल से दिल्ली को घेर के जो रखे हुए हैं आप लोग, ये तीन कृषि कानूनों के लिए आए थे ना, इसमें ट्रैक्टर भी जोड़ लिया, बिजली भी जोड़ लिया, प्रदूषण के ऊपर कानून बनाए तो उस पर भी जोड़ लिया, सब कुछ बनवा ले, सौदा करने आए थे क्या? तो बात करेंगे हम, हमारे पास कोई लिखित में है कि हम यही पे बात करेंगे? तो ऐसा है क्या कि आप जो बोलेंगे उसी हिसाब से चलेगा? आप तय करेंगे संविधान, आप तय करेंगे संसद की कार्यकला। आप अपने अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की वो बात मान लेते हैं कि तीन जो कमेटी बनाई थी तीनों कृषि कानून को लेकर, उसको नहीं मानेंगे? आपके अनुसार चलेगा सब कुछ? अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना सम्मान था तो आप मान लेते और स्थगित कर देते धरना, तब आपने नहीं माना। आज गन्ना भुगतान की बात कर रहे हैं और गन्ना भुगतान पिछले कहां थे आप? मायावती और अखिलेश की सरकार में जितना गन्ना भुगतान था उसका 1,40,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने भुगतान किया है, आपने नहीं किया था। अखिलेश यादव ने नहीं किया था, मायावती ने नहीं किया था, उनका जो भुगतान है वो योगी सरकार ने किया है। आप झूठ बोलते हो 24 घंटे। कितना आप बताइए, आप बताइए 17 के पहले कितना बकाया था? 14 दिन का सबित मलिक जी किसान नेता है, 17 के पहले गन्ना का कितना भुगतान बकाया था? कोई आपको है आंकड़ा? 75,000 करोड़ रुपया, 1,44,000 करोड़ रुपया योगी सरकार ने 17 के बाद भुगतान किया है। दूसरों का भी जो बकाया था उसका भी भुगतान किया है। सर मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। राकेश जी आप समझ नहीं पा रहे, साबित मलिक जैसे भ्रमित कर रहे हैं ना लोगों को, मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता। मैं इस डिबेट के टॉपिक पे गन्ना नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ उस मानसिकता की, उस आंदोलन में दरअसल किस तरह से छलने की कोशिश हो रही उसकी। आज जो है एक ट्वीट करके राकेश टिकैत अपने आप को क्या इंटरनेशनल नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो दर दर घूम रहे हैं। मंच तैयार होता है महापंचायत का, लेकिन बात किसानों के नहीं होती, वहां पे सियासी नारे लगाए जाते हैं। खैर मनोज यादव ठीक है, साबित मलिक आप किसी भी मुद्दे पूछे। अरे सर आपके आप तो मुद्दों पे आ ही नहीं पाए सर, आप ये नहीं समझ पाए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2 साल के लिए स्थगित करके, किस तरह से एक कमेटी बनाकर उस पर चर्चा की जाए, आप वो नहीं सुनना चाहते। मनोज यादव क्या दिक्कत है सर, क्या परेशानी है? ठीक है साबित मलिक बारी आएगी तब बोलिए। अरे भाई मैं कैसे सुन रहा हूँ, ये कह रहे संविधान, अरे सुप्रीम कोर्ट की आप नहीं मानते, बताए इनको कि हम भुगतान नहीं करा पा रहे हैं, हम गन्ने का ब्याज नहीं दे पा रहे। आपकी मजबूरी समझता हूँ सर, मजबूरी समझता हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब देना आपके बस का आपके बस की नहीं है सर, घुमाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन घुमाना पड़ेगा, डिरेल करना पड़ेगा, आंदोलन में जंग लग चुका है तो जंग हटाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। डिबेट में राकेश टिकैत का मंच नहीं है सर, राकेश टिकैत का मंच नहीं है सर, राकेश टिकैत का मंच नहीं है सर, यू का मंच नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से मियां खलीफा से इन्होंने रिट्वीट करा, एक टूल किट चला था 26 जनवरी को, वो टूल किट में मियां खलीफा, मार्गेटा थनबर्ग और यहाँ तक कि इन्होंने जो खालिस्तानियों से जो खालिस्तान डिबेट में है, एक एक करके बोलिए, इस तरह से इंटरप्ट कीजिएगा तो मजबूरी में फिर मुझे ऑडियो लेवल डाउन करवाना होगा, क्योंकि जितने भी मेहमान मेरे साथ है ना मुझे सबको मौका देना, मुझे सबको सुनना है, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में डिबेट में सर, प्लीज अनुशासन के साथ अपनी बात रखिए, मौका दू तब। ये बीकेयू का मंच तो है नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक आप बोलेंगे, इसलिए सुनिए सुनिए, आपको मैंने बारी, आपको मैंने वक्त दिया, शुरुआत मैंने आपसे की। मनोज यादव देखिए ऐसा रोहित जी, ये जो आंदोलन जीवी गैंग है, नफरत जीवी जो गैंग है, जो भारत की छवि को बार बार खराब करने का प्रयास करती है, एक लिबरल गैंग है और इसी में से ये राकेश टिकैत भी उनमें से एक है। आप देखिए कि जो भारत की सबसे बड़ी महापंचायत है संसद, उसने तीनों कानूनों को पास किया, इनको पार्लियामेंट पे विश्वास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये कानून 18 महीने के लिए निरस्त कर दिया जाता है, ये कानून 18 महीने तक लागू नहीं होगा, 3 सदस्यों की कमेटी बना दी, तो उन पर इनको विश्वास नहीं है। फिर उसके बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसी भी समय, हम रात के 2 बजे बात करने को तैयार है, 12 दौर की बात की, उसके बावजूद भी एजेंडा चल रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये आंदोलन में फंडिंग जो हो रही है वो बाहर की फंडिंग है और उस पर मोहर लगाने का एक काम कर रहे हैं। अब ये जाकर के
ब्रिटेन की गोदी में बैठ रहे हैं। अरे देश के आपको जो भारत संप्रभु राष्ट्र है, जो सोवरन कंट्री है, उसके संविधान पे विश्वास नहीं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं है, लेकिन जा रहे हैं ब्रिटेन साहब के पास में। ये और कांग्रेस पार्टी की ऐसी फितरत बन चुकी है कि कभी ये लोग पाकिस्तान की गोदी में बैठते हैं, कभी चीन की गोदी में बैठते हैं, कभी चीन के साथ एमओयू साइन करते हैं। तो देखिए रोहित जी, ये पूरा आंदोलन केवल और केवल भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा 26 जनवरी मनोज यादव, मनोज यादव मियां खलीफा, तो मान रहा हूं ना कि सर सब कुछ चल रहा है, ठीक है, हमने कई खुलासे भी किए, हिंदुस्तान ने कई सच भी दिखाए। मैं तो कह रहा हूं कि सर आप क्या इतने मजबूर, इतने लाचार हो गए सर, सरकार आपकी सब कुछ आने के बावजूद भी अगर कुछ फरेबी लोग हैं जो बैठे हुए हैं वहां पे भ्रमित कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं सर? ये लाचारी क्यों, ये बेवसी क्यों? सरकार इतनी कमजोर है क्या? जी ये लोग अपने आप पूरी जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं और भारत सरकार उस पर संजीदगी से नजर रखी हुई है, लेकिन भारत सरकार क्या कर सकती है? उनके लिए हमने कानून बनाए और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है, उसके बावजूद भी अगर ये एजेंडा चला रहे हैं, मैं तो कहता हूँ साबित मलिक कैसा है, ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। आप कम से कम अगर आपको पार्टी बनानी है, चुनाव में उतरना है, किसानों के नाम पर कंधे पे बंदूक चलाइए, कम से कम इस भारत की छवि को खराब करने का प्रयास मत करो, शर्म करो, आप किसान नहीं हो, आप बताइए, ये बताइए भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये एक सभ्य नागरिक के लिए सर ये सब देख रहे हैं ना सर, इसलिए तो मैंने पूछा कि सरकार क्या कर रही है। बहरहाल बहरहाल आऊंगा साबित मलिक, मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ये जो सुनिए सर, साबित मलिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लगातार बोलते रहने से ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे या फिर आपकी बातों में दम आ जाएगा, सच्चाई आ जाएगी, सबको सुने और जब बारी आए तब बोले। और पीसीआर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी मेहमान की आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है तो साबित मलिक का ऑडियो डाउन कर दे, मौका दे रहा हूँ, डिबेट में बैठे हर कोई अपने जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखिए। मैं अब जा रहा हूँ संदीप चौधरी के पास, ये सारे मेहमानों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बारी पर बोले, कम से कम शुरुआत में आप लोगों के पक्ष को तो जनता समझ ले, दर्शक समझ ले। संदीप चौधरी सर, संदीप जी मुझे एक छोटी सी बात समझा दीजिएगा बस, उसके बाद फिर अपनी बात रखिएगा। देश में संसद की क्या भूमिका है, सांसदों की क्या भूमिका है, संविधान की क्या अहमियत है? देखिए रोहित जी, मैं आपको संसद की भी बात बताऊंगा, विधानसभा की भी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके बिहार स्टेट से आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हाल ही में मैं बिहार में था, मैंने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने आज तक क्यों नहीं बनाई? उन्होंने कहा अगर हमने बना दी होती तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाई, उन्हें आज नकली किसान भी सुनना पड़ता है, उन्हें आतंकवादी भी कहा जाता है, उन्हें खालिस्तानी भी कहा जाता है। तो बिहार का आदमी बहुत दूरगामी, दूर की सोच रखता है, उनको पहले से मालूम है किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं। और आज आप ये देखिए, अगर देश का किसान आतंकवादी है तो सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूं, आपके चैनल पर बैठा हूं, मैं आतंकवादी हूं, मुझे गोली मारिए, फांसी चढ़ा दीजिए। अगर किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी है, किसान नकली किसान है, तो सबसे पहले हम नकली हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं। अब आती है बात किसान के मुद्दे की, अगर घर का मुखिया बात नहीं सुनेगा तो बात गांव के बाहर भी निकलेगी, शहर के बाहर भी निकलेगी, देश के बाहर भी निकलेगी। आज पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान का किसान परेशान है, 700 लोग अपनी जान दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर वो ट्वीट करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पास देश के किसानों से बात करने का टाइम नहीं है, अमेरिका में जाके जो बाइडन से बात, संदीप चौधरी, तो ऐसे में जो बाइडन अपनी रिक्वेस्ट भेजना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से गलत हो सकती है। संदीप चौधरी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आपने लिखवाई थी, अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, अच्छा लगा सर। लेकिन जो मुद्दे थे ना, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब दिक्कत क्या है ना कि उतना लिखा था तो बोलना था, बोल लिया आपने, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। नहीं सर सुनिए ना, मुझे पता है आरएलडी के, मनोज यादव प्लीज अभी नहीं, आरएलडी के सांसद कम है, इसलिए हो सकता है कि सांसद की परिभाषा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक दायित्व से आप पीछे होंगे, उनको समझने में कोई दिक्कत होगी। संसद के पटल में जो चीजें हुई क्या सड़क पे तय हो जाए? ये जो बोल रहे हैं किसान नेता, आप कह रहे हैं हिसाब गोली मार दो, अरे उस वक्त भी हिसाब और गोली मारने की बात करते जब जिम्मेदारी तय करने की बात हुई, लाल किले के प्राचीर पर जब दंगा किया गया उस वक्त भी बोलते, जब खालिस्तानी झंडे दिखे उस वक्त भी बोलते सर, उस वक्त भी बोलते संदीप जी, जब जहां यहां के आंदोलन में, यहां के किसानों के आंदोलन में फ्रांस और कनाडा के झंडे दिख रहे थे, उस वक्त भी बोलते संदीप जी, जब यहां के आंदोलन में
किसान नेता बक्कल उतारने की बात करते, प्रशासन को पुलिस को धमकी देते, उस वक्त बोलते सर अच्छा लगता। प्लीज बोलिए, 30 सेकंड दे रहा हूं सर। रोहित जी, जिस किसान नेता को, जो नेतृत्व किसानों का कर रहा है, उसे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भगवान का दर्जा दिया। उन्होंने बताया कि मैंने अपने ऑफिस से जाकर उनका स्वागत किया। लेकिन आज देखिए हिंदुस्तान की राजनीति कितनी बदल गई है। अगर आज वही किसान अपनी समस्या को लेकर जाता है तो कुछ नेताओं के साथ कुछ न्यूज चैनल और कुछ न्यूज चैनल के एंकर्स भी इस लेवल पर आ गए हैं कि वे अपने ही देश के किसानों को, अपने ही भाइयों को, जो अन्न पैदा करता है, जो देश का पेट भरता है, उनको आतंकवादी भी कह रहे हैं, उनको वो खालिस्तानी भी कह रहे हैं। किसने कहा आतंकवादी? किसने कहा? किस तरीके से कांग्रेसी सांसद आतंकवादी खालिस्तानी कहा? और सुनिए, आज की सरकार आपकी पार्टी यूपीए का भाग थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तो कांग्रेस पार्टी दबा करके बैठी हुई थी, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप यूपीए का पार्ट थे, आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? संदीप चौधरी, संदीप चौधरी, मनोज यादव जवाब दे दीजिएगा। एक बार दीपक जी को शामिल कर लूं, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है। संदीप चौधरी ने अच्छी प्रिपरेशन की है, दो चार पन्ने उन्होंने अच्छी टाइपिंग की, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं। और संदीप जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कुछ मीडिया चैनल, कुछ एंकर, सर उसकी चिंता मत कीजिए सर, उसकी चिंता मत कीजिए सर। आपके पास दम है ना, आपके पास शक्ति है ना, आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, खड़े होइए, लोगों का साथ मिलेगा। राकेश टिकैत को टिकट दिया, दो बार उनका जमानत जब्त करवा दिया था, कुछ कर नहीं पाए थे सर। तो वो गलतियों से सुधार लीजिए, और वो कम से कम कहिए कि कम ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हाँ, दूसरी बात और एक बताना भूल गया, जो बाहर बाहर जाने की मदद की बात आप कर रहे थे ना, थोड़े दिन में देखिएगा चाइना और पाकिस्तान से भी मदद मांगते दिखेंगे ना, तब फिर यही बात बोलिएगा, तब पूछेंगे। दीपक झा, दीपक झा सर, हो गया ठीक है सर। आप बार बार घूम के यूपी पे आइए, पता है यूपी चुनाव है, रहिए फोकस। दीपक झा, दीपक झा, ठीक लग रहा है ना सर? वो टूल किट को जो एक्सपोज किया गया था मियाँ खलीफा और ये जो रिट्वीट करते थे, अब ये बाइडेन साहब को मतलब चाहते हैं कि इंटरफेयर करें। अच्छा लग रहा है देश के मुद्दों में जो बाइडेन आए, शी जिनपिंग आए, इमरान खान आए, अच्छा लगेगा? देखिए रोहित जी, सबसे पहले आज आपको बधाई दूंगा कि आज आप देश के उन चंद पत्रकारों में जो हैं जिन पे जनता भरोसा करती है, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, और आपने आज बहुत सही मुद्दा उठाया है। मैं कहता हूँ राकेश टिकैत यहाँ पे भावनाओं में आके जो बाइडेन को ट्वीट कर दिया होगा, भावनाओं की कदर करिए, बाकी देश का मुद्दा हम देश में निपटा लेंगे, हम आपस में निपटा लेंगे। लेकिन जो भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे देशद्रोहियों की तरह बैठ के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देश की इज्जत को आपने बाहर उछाला है। अरे आप बताओ, किसान मर गए और आपको देश की इज्जत पड़ी है? देश धरती माँ का, पाकिस्तान के पास भी मणिशंकर अय्यर क्या करने जाते हैं? नरेंद्र मोदी को हराना है। जो राहुल गांधी बोलते हैं वही पाकिस्तान ट्वीट करता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं वही पाकिस्तान जोधियर की मनोज जी अनफेयर होगा। मैंने हर किसी को मौका दिया है, दीपक झा को मौका देने दीजिए, ब्रेक के बाद आऊंगा, उसके बाद आप लोग 1-on-1 कर लीजिएगा। दीपक झा, ठीक है, तो मैंने कहा कि राकेश टिकैत ने गलत बात किया। दीपक झा, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका फ्रेम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हिंदुस्तान में किसी को भी टैग करिए, हिंदुस्तान की बात है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, दीपक मैं वापस आपके पास कनेक्ट होऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है, क्या यह गुलाम वाली मानसिकता नहीं है? देश के मुद्दों पर आप बड़ी बड़ी बातें करके देखिए, आप तो भ्रम फैला चुके हैं। अब बाहर दिखाकर क्या करना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल क्लेम कराने की कोशिश है क्या? फिर मांगिएगा चाइना और पाकिस्तान, बस यही बच गया अब आपके लिए। क्योंकि फंडिंग, बैक सपोर्ट, ये तमाम आरोप तो लग गए इस आंदोलन में कि पाकिस्तान का सहयोग, पाकिस्तान उस पर साजिश रच रहा है। टूल किट पर भी पाकिस्तान लगातार नजर था, इंटरनेशनल ने अपने रिट्वीट करा के बड़ा क्लेम कर लिया। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर अब तक जहां तक पहुंचेंगे ना, वहां तक यही पॉइंट है कि इसके पीछे साजिश या मंशा क्या, उद्देश्य क्या है। छोटा सा ब्रेक, शटना चाहिए। एक बड़ी खबर अभी आ रही है, उसके साथ शुरुआत कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का एक पुराना वीडियो सामने आया है। वीडियो में कहा, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये पुराना वीडियो है महंत नरेंद्र गिरी का, जिसमें ये कहा जा रहा है, उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेटर हेड पर नरेंद्र गिरी ने पुलिस को शिकायत दी थी, मेरे नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है, अकाउंट से गलत काम हो रहा है, मेरा इससे मेरा संबंध नहीं है। 6 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, एक बार वीडियो भी दिखाई दे रहा है।
मुझे किसी के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट खोल करके विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लिख रहा है, तो मेरे नाम से कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है और जो भी टिप्पणियां लिखी गई वह मेरे संज्ञान में नहीं है। आज मैंने प्रयागराज के SSP कम DIG को सूचित किया। चलिए वापस शंखनाद के उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जो बाइडेन से मुलाकात होनी है, लेकिन मुलाकात से पहले एक ट्वीट किसान नेता राकेश टिकैत का। जो बाइडेन से कहते हैं कि दखल दीजिए किसानों के मुद्दे को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर जिसे संसद में पास किया गया, जिस संसद की अब जो बातें हैं उस संसद पर विश्वास ना होना, उस संवैधानिक व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क करने वाले ये नेता अब कहते हैं जो बाइडेन मदद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी, कमेटी बनाने की बात की, वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो कहते हैं जो बाइडेन मदद कीजिए। दीपक झा, वापस आ रहा हूँ, आपकी आवाज से प्रॉपर नहीं आई थी, आप ही से शुरू कर रहा हूँ। सर, जो बाइडेन मदद करे ना करे, लेकिन देश की संसद, देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की सुप्रीम कोर्ट, इसी बात से तो शुरू कर रहा था मैं, क्या उसको भी आप नजरअंदाज कर देंगे? एक कमेटी बनाने की बात हुई थी ना सुप्रीम कोर्ट में। देखिए रोहित जी, हम कहते हैं माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याम, ये धरती हमारी माता है और इसमें धरती का पुत्र हूँ, इस बात को आप मानते हैं या सिर्फ हम यही कहेंगे कि धरती हमारी माँ है? अगर धरती हमारी माँ है तो हम माँ के बेटे हैं और बेटों का हक है कि इस धरती माँ को सुरक्षित रखा जाए, और किससे सुरक्षित रखा जाए? मोदी के लाडों से, उन लाडों से जो देश को बेचने की तैयारी। अरे किसको बैठा लेते हैं भाजपा प्रवक्ता के नाम से? क्यों बीच के छवि खराब करने वाले अंतर्राष्ट्रीय? राहुल गांधी, मनोज जी, मनोज जी 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। 20 सेकंड दीपक झा को बोलने वाले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। दीपक झा की बात देखिए, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मोदी जी नहीं सुने तो क्या सुनेंगे? मोदी जी नहीं सुनते तो क्या सुनेंगे? ये क्या करेंगे? जैसी पार्टी उनकी है भारत के अंदर, दाढ़ी बाबा राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते हैं, इमरान खान बोलते हैं, इमरान खान जो बोलते हैं राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी तो हमेशा कभी इमरान खान की गोदी में रहते हैं, कभी चाइना की गोदी में बैठे रहते हैं। मत खेलिए आप लोग, रुको भाई, दीपक का जवाब बर्बाद कर देंगे। एमयू साइन किसने किया था? इनके साथ किसने किया था? देशद्रोहियों के साथ कौन खड़े रहते हो? आपने मियां खलीफा ने जो ट्वीट किया था, पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सुरजेवाला से लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया था, जो टूल किट था उसको बढ़ाने का किसने किया? वो कौन स्टार मियां खलीफा है जिसने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया? कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। ऐसे भक्त, ऐसे भक्त माँ भारती की यही सम्मान है आपके लिए? नरेंद्र मोदी की है? अरे नरेंद्र मोदी गुलाम बना रहे हैं देश को, चाइना से। अरे गुलामी करने वालों, अमेरिका जाते विदेशी पार्टी, विदेशियों के द्वारा जिस पार्टी की स्थापना हुई है वो हमको सिखाएंगे। जो इतनी से जो पार्टी चल रही है, तो रोम रोम करते हैं, हम राम राम करने वाले लोग, आप रोम रोम करने वाले हो। विदेशी मानसिकता से जो पार्टी चला रहे हो, किसानों को जो मारिए, विदेशी मानसिकता से चला रहे हो। अच्छा दीपक झा दीपक झा, दाढ़ी वैसे आपने भी रखी है, बहरहाल मेरा मुद्दा नहीं है कि दाढ़ी वाला बाबा किसे कह रहे थे, लेकिन मैं यही समझना चाह रहा था। ये बताइए ना, इस आंदोलन में कांग्रेस तो सपोर्ट कर रही है ना? कांग्रेस तो राकेश टिकैत के स्टैंड को सपोर्ट कर रही है ना? मैं ये समझा दीजिए खाली, उसके बाद मैं पूछता हूँ दूसरे मेहमानों के पास जाके। रोहित जी आपने सवाल किया, मैं अभद्र व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करना चाहूंगा। कुछ भाजपा के अभद्र व्यक्ति कहां से बता देते हैं? नहीं सर, आप छोड़िए ना, आप क्यों पर्सनल ले रहे हैं? दीपक जी क्यों पर्सनल ले रहे हैं? आप छोड़िए ना, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गोदी में बैठते पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं, जवाब देने नहीं देते। पाकिस्तान से भी मदद लेंगे तो आप यही कहेंगे ना, वो एक ट्वीट कर देंगे, पाकिस्तान मदद करे, इमरान खान मदद करे, शी जिनपिंग मदद करे, तब भी आप यही कहेंगे ना? ये तो मणिशंकर को भाई बरसाती मेढक की तरह, देखिए बरसात का मौसम है, मुझे पता है बड़े हो जाते हैं बरसात के लिए पाकिस्तान, आप मत खुद किए ना। दिग्विजय सिंह बोलते हैं भाई बरसात का मौसम है, वो बोलते हैं 370 मुझे पता है बरसात में मेढक बरसात में उछलते हैं,
तो कृपया बरसात की मेंढक की तरह मत उछलिए, डिबेट है, थोड़ा डिबेट की गरिमा बना के रखिए। रोहित भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपका भी लाभ होगा, किसानों का लाभ होगा, मेरा भी लाभ। गरिमा के लिए लड़ रहे हैं आप लोग, एक परिवार के लिए लड़ रहे हो आप, राहुल गांधी की चमचागिरी करने के लिए लड़ रहे हो, हम मां भारती की अमेरिका में जाके के लिए लड़ रहे हैं, बाइडेन के चरणों में सम्मान के लिए लड़ रहे हैं आप, सोनिया माता के सम्मान के लिए लड़ रहे हो, सोनिया माता की चाटुकारिता करने के लिए लड़ रहे हो, और मां भारती की राकेश टिकाने के लिए आप किसानों के खिलाफ एक भी फुट क्यों नहीं किया, अपने लोगों का किसान, आप भी किसान परिवार क्यों नहीं किया, ये गलत है, और जो किसान परिवार साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है, अरे सोनिया माता की चाटुकारिता मत चलाइए। अच्छा मनोज यादव, मनोज यादव देखिए हो क्या रहा है ना, आप अपनी बात रख पा रहे, मेरा वक्त भी जा रहा है। दीपक जी बस 10 सेकंड में जवाब दीजिए, आप राकेश टिकैत के आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं ना, कांग्रेस खड़ी है ना? देखिए जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग हम तो आईसीयू में चली गई सर, ये सवाल जिन्ना से जुड़े हुए हैं, राकेश टिकैत से था, कहां पर जिन्ना पे जा रहे हैं, जवाब नहीं देना है। श्रीमान आडवाणी जी, अरे उससे राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत सर, किसान नेता, बहुत बड़े किसान नेता राकेश टिकैत, दीपक झा उसके साथ कांग्रेस खड़ी है ना, उदित राज गए थे पकौड़े तल कर आए, राकेश टिकैत रोहित जी के लिए, मैंने कहा आपको रोहित भाई कि देखिए राकेश टिकैत ने जो ट्वीट किया, ट्वीट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाइडेन को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बाइडेन को टैग नहीं करना चाहिए था, ये भावनाओं में आदमी कट जाता है कई बार। अच्छा तो वो टैग कल को इमरान खान को करेंगे तो भी यही कहिएगा, भावनाओं में बह गए, इमरान के पास चले गए, इमरान खान कौन है, इमरान खान कौन है, भाजपा का यार है, इमरान खान ने क्या कहा था 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले, सर्टिफिकेट तयार रखा है नरेंद्र मोदी को, कैप्टन का भाई बयान दीपक जी सुन लीजिए, कैप्टन को बयान को भी याद कर लीजिए, दीपक लगता है आजकल लगता है पंजाब पे निगाहें नहीं है सर आपकी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने किसको बताया था इमरान और बाजवा का गुर्गा, वो सुना था ना आपने, कैप्टन अमरिंदर ने किसके लिए कहा था, खैर मेरा मुद्दा है बहरहाल, साबित मलिक के पास चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, ठीक है सर, साबित मलिक, साबित मलिक, साबित मलिक, अब देखिए गुहार कहाँ कहाँ लगाएंगे, अब तो सरकार मान नहीं रही, यही लगता है ना सरकार नहीं मान रही, अब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी आप कहते हैं वो भी नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे, किसान नेता ये बीजेपी वाले नहीं है, देश का मान बढ़ा रहा है, आप लोग प्लीज अपना पर्सनल 1-to-1 बंद कर दे, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है हो गया सर, बहुत बहुत रंज है आप लोगों के लिए, एक बार सुनते हैं साबित मलिक, फिर ये बोलेंगे हमारे को सुनना नहीं चाहता, ये देखिए साबित मलिक ने कांग्रेस वाले सुनने दे रहे हैं आपको ना बीजेपी वाले, दीपक जी मैं सवाल करूंगा अभी, आप थोड़ी देर खामोश हो जाइए, साबित मलिक से मेरा सवाल है, सिर्फ आप और बीजेपी वाले मेहमान नहीं है ना, साबित मलिक भी है और मेहमान भी है, साबित मलिक, रोहित जी ऐसा है, अगर अमेरिका के यहाँ कोई समस्या जाने से इतनी दिक्कत है तो मोदी जी क्यों गए, जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे, अब आप देखिए इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि अब डिप्लोमेट सिखाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, सबित मलिक जी ये सवाल का आप कह रहे हैं कि ये कानून, ये जो कानून तीनों आए हैं संवैधानिक नहीं है, सबित मलिक जी आपका कहना ये है, तो संवैधानिक नहीं है तो ये प्रक्रिया क्या है, आप बाइडेन के पास जाएंगे, अगर संवैधानिक नहीं है तो अदालत के पास जाएंगे, आप बाइडेन और इमरान खान के पास आप नहीं जाएंगे, इस कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप किससे मदद मांग रहे हैं, बाइडेन यहाँ के कानून को संवैधानिक बना देंगे, यहाँ की प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, सड़क पे बैठ जाएंगे, बाइडेन के पास जाएंगे, जापान के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, इमरान के पास जाएंगे, तो बोरिया बिस्तर बांध लीजिए वहीं चले जाइए, अगर उन पर ज्यादा भरोसा है, यहाँ की जनता पर भरोसा नहीं है आपको, तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे, अरे आपको भरोसा ही नहीं है, आपको संवैधानिक प्रक्रिया नहीं पता है, आप कहते हैं कि कानून असंवैधानिक है, उसके भी प्रक्रिया है, अगर संवैधानिक नहीं है तो किसको चुनौती देंगे, कहां चुनौती देंगे, इसके भी व्यवस्था है ना, व्यवस्था पता है, आपको भरोसा बाइडेन पर है, आपको भरोसा है मनू पर, आपको भरोसा कनाडा पर है, इमरान पर है, अरे तो वहीं जाइए, पंचायत लगाइए, कनाडा जाओ, हम कनाडा भी जाएंगे, जा जाओगे किसान हो ही मिलेगा, वही चले जाओगे, इंतजार करिए आप, राकेश टिकैत
योगेंद्र यादव वहीं जाने वाले हैं। यहाँ जनता आप पे भरोसा नहीं करती है। ये पूरा का पूरा जो गिरोह है ना, और मैं संदीप चौधरी जी का भी जवाब देना चाहता हूँ। बिहार की बात लेके आते हैं, अरे बिहार के कानून के बारे में पता कर लेते संदीप चौधरी जी। 14 साल पहले 3 कानूनों में से एक कानून 14 साल पहले लागू हो चुका है। एपीएमसी एक्ट हट चुका है वहाँ। नहीं, इनको थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं संदीप जी को। संदीप जी, वैसे आपको बता दें बीजेपी शासन काल में बिहार में नहीं है, ये पता नहीं आपने कहां से जानकारी इकट्ठा की। जदयू के साथ बीजेपी ही है। थोड़े दिन के लिए लालू यादव की पार्टी आ गई थी, लेकिन फिर वापस बीजेपी के पास आ गए नीतीश कुमार। वैसे कितने सालों से बीजेपी के साथ सरकार मिलकर बिहार ने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार ने स्वीकार नहीं किया। फिर आप चिंता करने लगे सर, फिर आप उसकी चिंता करने लगे। अब जयंत चौधरी से पूछूं क्या? अब जयंत चौधरी के बारे में बताएंगे क्या? समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो गए क्या वो? अरे संदीप जी सवाल का जवाब दीजिए ना। जयंत चौधरी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन गए क्या? सरकार बनाते संदीप चौधरी, संदीप चौधरी, संदीप चौधरी सवाल का जवाब देने बैठे हैं या फिर वही भाषण के पन्ने लेके बैठ के पढ़ाई करना है? संदीप चौधरी डिबेट में बताए ना, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, अपने भाषण का एजेंडा सुनाने के लिए नहीं। कौन बताता है? थैंक यू संदीप चौधरी। आतंकवादी कौन बताता है? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बोलते हैं आप मुझे ये, मनोज जी ठीक है। ये देखिए आप बीजेपी यही कर रहे हैं। एक बार मनोज यादव का छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड। मनोज यादव और सबसे बड़ी बात, मनोज यादव ये बताइए सर, ये कब तक ये चलता रहेगा खेल, या इसका कुछ कंक्लूड करेंगे? कंक्लूजन होगा, सरकार देखेगी जो सच्चे किसान है वो, उनको क्यों बरगला रहे हैं, उनको क्यों बार बार कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं, राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं सच्चे किसानों को। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जिस तरह से हमारे आरएलडी के जो प्रवक्ता है वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि योगी सरकार ने 4.5 साल के अंदर 1,46,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया, और ये जो जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे एसपी और बीएसपी, जो बुआ बपा की सरकार थी, उसने केवल 96,000 करोड़ रुपए का ही अब तक भुगतान किया था। तो सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान किसने किया? गन्ना मुद्दा तो बाद में आ रहा है सर, इनके पास मुद्दा यूपी में घुसने के लिए चाहिए गन्ना। मैं तो 3 कृषि कानून पे बात कर रहा हूँ। और चुनाव के लिए राकेश टीके तीन के लिए मोहरा है। और ये इनका एक जमानत जब्त नेता है, तो सीधी सीधी बात है, उनको समर्थन देना ही देना है रोहित जी। इसके अलावा कोई चारा नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि इंटरनेशनली अगर भारत की खिल्ली उड़े तो इनको मजा आएगा, ये आप कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि राहुल जी ना तो ये सही अच्छे किसान है, ना किसान परिवारों से आते हैं, ये केवल और केवल लठेत लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, आंदोलन जीवी है, इनको राजनीति करनी। लेकिन मेरा एक विशेष निवेदन है आपसे कि भैया आपको राजनीति करनी है, राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, लेकिन किसान और भोले भाले किसानों के नाम पर ये ड्रामा करना है बंद कर दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को जुड़ने के लिए, शंखनाद में अभी के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन के नाम पर चंद लोगों ने अपनी रोटियां तो सेक ली, अपनी लगातार पॉइंट्स को बढ़ा बढ़ाकर लोगों को गुमराह तो कर लिया, लेकिन सच ये भी है कि अब उसमें जो है इंटरनेशनल तड़का कैसे लगाया जाए, ये कवायद चल रही है। और ये वो गुलामों वाली मानसिकता है ना, जहां हर जगह हाथ फैलाई जाती है, जो खालिस्तान करता है फंडिंग के लिए, वो फंडिंग अब यहां पे भी किया गया इस आंदोलन में, उसके झंडे यहां नजर आए। ये है ये गुलाम वाली मानसिकता जो यहाँ पे सो कॉल्ड नेता कर रहे हैं, और सच्चे आंदोलन में जो है किसानों को गुमराह करने की कोशिश की गई, और सच्चे अन्नदाता अभी भी बदनाम हो रहे हैं। बस ये चंद ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी मंशा के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन का बड़ा बयान है, भारतीय सेना हटी तो कश्मीर का तालिबान जैसा हाल होगा। भारतीय सेना अगर कश्मीर से हटी तो तालिबान जैसा हाल होगा। भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर को तालिबान बनने से रोका है। अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर का विकास होगा। इस्लामिक ताकतें कश्मीर से लोकतंत्र खत्म कर देंगी। और लश्कर जैश का जो पाकिस्तान से संबंध है वो भी, उसको लेकर भी बॉब ब्लैकमैन ने कहा है। कौन है बॉब ब्लैकमैन, तो ये जान लीजिए, सांसद है, ब्रिटिश सांसद है, और उन्होंने ये कहा है कि तालिबान जैसी हालत हो जाती। अब ऐसे लोग अगर ये अप्रोच कर रहे हैं तो सोचिए कि राष्ट्र में कितनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच में भी ये राजनीति चमकाने के लिए ये खेल चलता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है।